हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी से बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई भी भाई और बहन हरियाणा से बिलोंग करता है, अगर उसको हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए कि हरियाणा में किस टाइप से डीसी रेट जॉब्स निकल कर आती है, कौन से विभाग में क्या डीसी रेट जॉब चल रही है, कौन से जिले में डीसी रेट जॉब्स आ रही हैं, किस टाइप से डीसी रेट जॉब्स मिल सकती है आप सभी को, अगर इस टाइप की आपको हर एक जानकारी टाइम टू टाइम चाहिए तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि दोस्तों, मैं बता देता हूं, हरियाणा का एकमात्र ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है अपना गवर्नमेंट जॉब्स, जहां पर डीसी रेट जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले सबसे फास्ट आपको यहीं पर देखने को मिलता है। पूरे हरियाणा में अगर एक पोस्ट का भी अपडेट आएगा डीसी रेट जॉब्स के रिगार्डिंग, वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई और बहन, अगर आपको डीसी रेट जॉब पर लगना है, डीसी रेट जॉब्स में किस टाइप से लगा जाता है, अगर उस टाइप की पूरी जानकारी आपको टाइम टू टाइम चाहिए तो आपको हमारा चैनल पर थोड़ा सा अपडेट रहने की जरूरत है। क्योंकि मेरे भाई और बहन, आप सभी को पता है डीसी रेट जॉब्स के लिए थोड़ी सी पोस्टें बहुत ही कम आती हैं, क्योंकि 5 10 15 20 पोस्टें आती हैं, उससे ज्यादा पोस्टें नहीं आती डीसी रेट जॉब्स के, क्योंकि उस पोस्टों पर वही कैंडिडेट लगता है कि वहां पर जो पहले से कैंडिडेट काम करते रहते हैं डीसी रेट जॉब पर, उनको ही सबसे पहले सबसे फास्ट नोटिफिकेशन मिल पाता है, उनको ही पता चलता है कि क्या न्यू नोटिफिकेशन आया है, कितनी टोटल पोस्ट है, तो अपने ही कैंडिडेट वहां पर लगवाने की सोचते हैं, तब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता और आपको डीसी रेट जॉब नहीं मिल पाती। तो मेरे भाई और बहन, सभी ध्यान से सुन लेना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल फ्री में डीसी रेट जॉब मिल सकती है, बिल्कुल आसानी से। ओनली आपको थोड़ा सा अपडेट रहने की जरूरत है, जो भी न्यू नोटिफिकेशन आए आप उस चीज को चेक करें, चेक करने के बाद आप उस चीज को तुरंत अप्लाई करने में लग जाएं। अगर मेरे भाई और बहन, बिल्कुल आप सभी को बता दूं, अदर दूसरे स्टेट के अंदर भी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आता है, अगर उसमें डायरेक्ट मेरिट बेस पर सिलेक्शन हो रहा है तो बिल्कुल आसानी से उस टाइप के भी आप फॉर्म अप्लाई करें। पूरी दिल्ली के अंदर भी आपको ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट बता दूंगा कि वहां पर सीधी भर्ती होती है बिना पेपर के। तो आज की भी एक ऐसी अपडेट आया आप सभी के बीच में कि 2783 पदों पर सीधी भर्ती होगी, बिना पेपर की भर्ती होगी। जो 10वीं पास है मेरी भाई और बहन दोनों सभी इसके लिए एलिजिबल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी भी टाइप का कुछ भी सस्पेंस हो, तो मेरे भाई और बहन बिल्कुल भी आपको टेंशन में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी की टेंशन मैं अकेला लूंगा, आपका छोटा भाई ग्राउंड में आ चुका है, आपकी जो भी टेंशन होगी आप सभी की टेंशन मैं लूंगा। जो भी अपडेट आएगा आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार से न्यू अपडेट डेली देखने को मिलते रहेंगे। तो अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने छोटे भाई की वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि मेरे भाई और बहन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी कर रखा है, वहां पर भी आप ऐड हो सकते हो। एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको 24 घंटे न्यू अपडेट्स देखने को मिलेंगे, किसी भी टाइम कोई भी न्यू अपडेट आएगा वो आपको सबसे पहले सबसे फास्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और सबसे हटकर डीसी रेट जॉब्स के रिगार्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको न्यू अपडेट्स डेली देखने को मिलेंगे। तो आप दोनों जगह ऐड हो सकते हो, और फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई लिंक नहीं मिला, कोई साइट में प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरे भाई और बहन गलत फॉर्म नहीं भरना है किसी भी भाई और बहन को, कुछ भी समझ में नहीं आए किसी भी टाइप का कुछ भी, तो बेझिझक होकर टेलीग्राम पर मैसेज करना, हमारी जो टीम है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। ओके गाइस, तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर लेता हूं। आज की वीडियो क्या रहने वाली, किस टाइप का क्या न्यू नोटिफिकेशन आया आपको ऑफिशियल पूरा दिखाता हूं, पूरा आपको डिटेल वाइज बता देता हूं, वीडियो पर बने रहे। ओके मेरे सभी भाई और बहन को बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा, ये मात्र ही 5-7 मिनट पहले ये न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है, किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक आपके बीच में ये शेयर नहीं किया होगा, क्योंकि अपने चैनल पर आपको सबसे पहले सबसे फास्ट जानकारी मिलती है और सबसे स्टिक जानकारी मिलती है हरियाणा से, तो जुड़ी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलेगी डीसी रेट जॉब्स के रिगार्डिंग। मेरा भाई और बहन कोई भी इस चैनल को देख रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जिले, आपके शहर, आपके गाँव से जो भी अपडेट आएगा आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही बढ़िया पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भर्ती होगी, सीधा ऑफिस का वर्क होगा, और किस टाइप से क्या वर्क होगा इसमें पूरा आपको डिटेल वाइज बताऊंगा, जिसकी फॉर्म स्टार्टिंग डेट 18 मई से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट आपकी 3 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, मेरिट लिस्ट होगी 10 से 17 जून के बीच में आपकी मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, इसमें कोई भी पेपर नहीं होगा किसी भी टाइप का। तो मेरे भाई और बहन, अगर पेपर नहीं हो रहा है तो आपको ही पता है आपको फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है, आपके मेरिट लिस्ट पे जो सिलेक्शन होगा उसमें क्या दिक्कत है आप सभी को। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स कहीं दूसरी जगह लग जाए तो वहां पर आप जॉब नहीं करोगे, तो मेरे भाई और बहन बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर सीधी भर्ती आ रही है, आपको एक भी पैसा लगने की जरूरत नहीं है, इसमें फी भी नहीं लगेगी, आपकी सबसे बड़ी
की बात यह, आपको फॉर्म भरने का एक ही पैसा लगने वाला नहीं, ₹0 आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी। मिनिमम एज 18 से लेकर मैक्सिमम 40 साल के सभी मेरे भाई और बहन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज में आप सभी को छूट चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कितनी आई है, 2783 नंबर टोटल पोस्टों पर इस पर भर्ती होने वाली है। लगभग 2800 प्लस पोस्टों पर यह भर्ती होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क होगा। किस टाइप से क्या भर्ती होगी पूरी आपको डिटेल वाइज इसमें बताऊंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्लस टू पास मांग रखा है। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी 12वीं पास है, मेरी बहनों के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क होगा, हमको ओनली ऑफिस में वर्क मिलने वाला है, ओनली मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। आप सभी को पता है एक बार यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें ओनली फिजिकल करना था आपको और आपके जो 10वीं 12वीं के जो मार्क्स है उसके ऊपर सिलेक्शन मिला था। आज के दिन भी हमारे हरियाणा के काफ़ी मेरे भाई वहाँ पर सेलेक्टेड हैं यूपी पुलिस के अंदर। उसी टाइप की ये भर्ती आई है, ओनली मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। इसमें आपका कुछ भी नहीं होने वाला, ओनली मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। ओनली आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका अगर ज्वाइनिंग में नाम आता है 10 से 17 जून के अंदर इसकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। वो आपको न्यू अपडेट में दे दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी और यूट्यूब चैनल पर भी। आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस किस का नाम आया, किस टाइप का क्या सिलेक्शन होने वाला है। तो मेरे भाई और बहन, अगर आपका फॉर्म का एक भी पैसा नहीं लग रहा है, ₹0 एप्लीकेशन फी है, तो आपको फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है। अगर किसी भी टाइप का कुछ भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो मेरे भाई और बहन मेरे से पूछ लेना और सभी इसको अप्लाई करना। जो भी ये वीडियो देख रहा है मेरे भाई और बहन, सभी इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि आपका छोटा भाई इसी प्रकार से न्यू अपडेट डेली अपने चैनल पर लेकर आता रहता है, बढ़िया बढ़िया अपडेट आप सभी के बीच में शेयर करता है। और किस टाइप से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा उसकी मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई के लिए आपको क्या करना होगा, ऑफलाइन तो फॉर्म होगा। जॉब लोकेशन आपकी यूपी के अंदर रहने वाली है, अगर यूपी का आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो यूपी की आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप फॉर्म को डाउनलोड कर लेना और पूरे अच्छे से फॉर्म को फिल करना। बाहर लिफाफे पे आपको क्या लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो इसका नाम लिखना होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होगा, ओनली एक ही पोस्ट है, DEO आपको भरना होगा इस जगह पर। और अपना जो एड्रेस है वो किस एड्रेस पर अपने फॉर्म को आपको भेजना होगा, जिसका एड्रेस हमें बता देता हूं, आवर ग्राम पंचायत ऑफिस, विकास कांड ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, जो यूपी के अंदर है, इस एड्रेस पर आपको अपना जो फॉर्म है वो भेजना होगा। एप्लीकेशन इस एड्रेस पर आपको अपने जो भी है 12वीं की सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, साथ में जो फॉर्म है वो अच्छे से फिल करके और अपने जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है सारी इसके साथ इंक्लूड करके आपको वहां पर भेजनी होगी। ओनली मेरिट लिस्ट पर ही आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी आपका पेपर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसमें टाइपिंग भी नहीं होने वाली मेरे भाई और बहन, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। ओनली 12वीं पास मांग रखा है। कोई भी मेरी बहन, अगर कोई भी मेरा भाई भी अगर यूपी के अंदर जॉब करना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्योंकि अगर कोई फौजी भी लग जाता है फौज पुलिस में, अगर उसकी दूसरी स्टेट में बदली भी होती है, ज्वाइनिंग भी होती है, तो वो वहां पर जॉब कैसे करता है। तो मेरे भाई और बहन, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, ये मत सोचना कि हम हरियाणा का नाम लेते हैं तो और आपको यूपी का नोटिस दे रहे हैं। तो मेरे भाई और बहन, मैंने आपके साथ ये चीज़ें इसलिए शेयर की है क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हो, अगर इसमें आपका नाम आ जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स आपकी लग जाती है और सैलरी आपको बहुत अच्छी मिल रही है, तो आपको दिक्कत क्या है। एक चीज़ आप सपोज करें, जो पोस्ट ऑफिस GDS की भर्ती आई है, डाक विभाग में जो भर्तियाँ चल रही हैं पूरे ऑल इंडिया में चल रही हैं, उसकी सैलरी भी कितनी कम होती है, फिर भी बच्चे जॉब करते हैं, वो भी एक गवर्नमेंट है, ओनली गवर्नमेंट टैग के लिए ही जॉब करते हैं। तो मेरे भाई और बहन, अगर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर कलर की पोस्ट मिल जाए यूपी के अंदर, तो इससे अच्छी बातें क्या होंगी। तो मेरे भाई और बहन, अगर इस टाइप की आपको न्यू नोटिफिकेशन डेली चाहिए, तो आपका छोटा भाई पूरे जहां से भी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट आएगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में DCLED जॉब्स के रिगार्डिंग तो आपको सबसे हटकर सबसे फास्ट न्यू मटेरियल मिलने वाला है। तो मेरे भाई और बहन, आपको इसी टाइप से न्यू अपडेट डेली देखने को मिलते रहेंगे। और किस टाइप से क्या इसमें पूरा प्रोसेस रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलेगी पोस्ट वाइज, इसमें सैलरी मैं बता दूं आपको 30,000 के लगभग स्टार्टिंग होगी सैलरी की। और सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होगा, ओनली मेरिट बेस पर इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। दूसरी चीज, इसमें मेडिकल एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ओनली 3 स्टेप होने वाले हैं, तीनों स्टेप होने के बाद आपको फाइनल इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो इसमें मिल सकता है। ओनली आपको फॉर्म भरने की जरूरत है। फॉर्म भरने के बाद आपका 10 से 17 जून के अंदर जो भी मेरिट लिस्ट लगेगी उसके अंदर अगर आपका नाम आ जाता है अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो बिल्कुल आसानी से आपको इसमें जॉब मिल सकती है। तो मेरे भाई और बहन, अगर आपको इसी टाइप से न्यू अपडेट डेली चाहिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना,
क्योंकि आपका छोटा भाई इसी प्रकार से न्यू अपडेट्स अपने चैनल पर डेली प्रोवाइड करता रहता है और बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने के लिए आपका छोटा भाई ग्राउंड में आ चुका है। और आप सभी का जो भी नोटिफिकेशन होगा किसी भी टाइप का, कोई भी पोस्ट का, छोटी पोस्ट हो चाहे बड़ी पोस्ट के लिए, कोई भी न्यू नोटिफिकेशन होगा आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा इसी टाइप से। और तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपके छोटे भाई की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बढ़िया नोटिफिकेशन लगा हो, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो। तो इस टाइप के न्यू नोटिफिकेशन डेली आते रहते हैं। हरियाणा के अंदर भी होमगार्ड की भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया, वो भी मैं आप सभी के साथ में अगली वीडियो में शेयर करूंगा। और ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट बता दूंगा मेरे भाई और बहन, आपने आज तक किसी यूट्यूबर ने बताया नहीं होगा। दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें डायरेक्ट जॉब्स लगती हैं। तो मेरे भाई और बहन, अगर आपको दिल्ली के अंदर भी जॉब्स के जो भी अपडेट आते हैं आपको टाइम टू टाइम चाहिए, पूरे जो भी कहीं से भी अगर पोस्ट का अपडेट आएगा, साथ में हरियाणा का तो एक भी अपडेट मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। किसी भी जिले से आप बिलोंग करते हो पूरे हरियाणा में, तो हरियाणा का एक भी अपडेट आपका छूटने वाला नहीं है डीसीरेट जॉब्स के रिगार्डिंग। तो अब ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको इसी टाइप से डीसीरेट जॉब्स के अगर एक पोस्ट का भी अपडेट आएगा वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई और बहन, अगर आपको डीसीरेट जॉब्स के रिगार्डिंग भी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अभी तक ऐड हुए तो वहां पर भी ऐड हो सकते हो, वहां पर भी आपको न्यू नोटिफिकेशन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। किसी भी टाइम कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी देखने को मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ऐड हो सकते हो। अच्छा, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।